और आज ये गाइस हम आए हैं ग्रेटर नोएडा के एक्सपो मार्ट में। तो चलिए गाइस आज आपको दिखाते हैं इस एक्सपो मार्ट में कौन कौन सी गाड़ियाँ आई हैं और कौन सी सबसे अच्छी। ये देखिए टाटा की बहुत प्यारी कार, ये मेरे को स्टार्टिंग में तो टेस्ला लगी थी पर नहीं, ये टेस्ला नहीं टाटा की है। अब चलते हैं अगली गाड़ी पर और ये आ गई आपकी टाटा की सेरा। यार स्टार्टिंग में तो सच में मेरे को ये लगा था कि डिफेंडर खड़ी है क्या वहाँ पर, मैं इसीलिए देखने आया, भीड़ भी लग रही थी कि यार कौन सी कार है, देखा तो टाटा की भाई। और सबसे खास बात ईवी में और निकाली है ये भी, कोई डीजल पेट्रोल का चक्कर ही नहीं है, ईवी को भाई नेक्स्ट लेवल पर लेके जा रहे हैं, सच में गजब लग रही है कार। ओ गाइस बाकी आप कमेंट सेक्शन बताइए आपको कैसी लगी कार। चलिए आगे अगली ट्रक पे चलते हैं टाटा के। स्टार बस, स्टार बस ईवी भाई हद ही कर दी इन्होंने तो, बसें भी ईवी में निकाल दी हैं, देखो क्या गजब है भाई, मजा ही आ गया। सबसे बेहतरीन कार दिखाता हूँ तो मुझे तो पर्सनली बहुत ज़्यादा फैंटास्टिक और यहाँ पर खड़ी हैं पूरे एक्सपो की सबसे बेहतरीन स्पोर्टी और सबसे शानदार कार्स। यहाँ से आगे जाने का मन ही नहीं कर रहा था बट आगे भी एक्सपो देखना है और कौन कौन सी कार्स हैं, सो चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा इनको और अच्छे से देख लेते हैं एक बार। बहुत लंबी लाइन है, अभी हमें आगे घूम के जाके फिर इस लाइन में आ पाएंगे, देन हम एंटर करेंगे लेक्सस। बट वो क्या चीज़ है यार, कुछ अलग ही चीज़ है। अभी मैंने बाहर से फिर इसकी वीडियो बना ली, ज़्यादा अच्छी थी बट इसको अंदर जाके एक बार ढंग से अच्छे से रिव्यू करेंगे। गाड़ी छोड़ो ये साइड में जो लड़का खड़ा है ना, इसको देखना भी अगली वीडियो में क्या करेगा भाई, ऐसे कौन लुक देता है यार। अरे भैया मैं तो डर गो, पर छोड़ो अभी आगे हमें और भी जाना है, और भी एक्सप्लोर एक्सप्लोर करना है, सो अब डरते नहीं हैं, आगे चलते हैं और अच्छे अच्छे कार्स को देखने। यहाँ पर वीडियो बनाते बनाते ऐसे सबको साइड कर दे रहा हूँ, जैसे मेरी तो घर की गाड़ियाँ खड़ी हैं सारी। तो जैसा कि मैंने कहा था इसको अंदर जाके एक बार अच्छे से और एक्सप्लोर करेंगे, तो चलिए आपको दिखाते हैं इसके लुक्स। यार कितने बड़े टायर हैं, इसका खिड़की का कौन सा सबसे बेस्ट लगा मेरे को, जिस हिसाब से ये खुलती है ना, ओए हो क्या इंटीरियर है, कितने चिड़िया सी लग रही है अपने, मतलब ही नहीं यार ये बहुत नीची अपने से। यहाँ तो कोई अधिकारी आया हुआ है भाई, ये तो ले ही जाएगा सीधा।
और गाइस ये थी उस एक्सपो की सबसे अच्छी कार। हाँ कार की कह रहा हूँ, आप जो समझ रहे हो वो नहीं कह रहा हूँ, ये कार सच में मेरे को बहुत अच्छी लगी थी, मजाक से हटके। अर्बन क्रूजर हाईराइडर में पता नहीं क्यों मुझे इतना मज़ा नहीं आया। हाँ हाँ कार की कह रहा हूँ भाई, इसमें कोई ज़्यादा खास मज़ा नहीं आया। आगे चलते हैं और कार देखते हैं और कैसी है। कार ही देख रहे हो ना भाई लोग, तुम कार ही देखना है, इधर मत भटक जाना यार। हाँ इसे देख लो आराम से। गाड़ी वाला लड़का था लेक्सस में, वो भी अलग ही देख रहा है, ये भी पता नहीं कैसे अलग ही देख रही है, मेरे को क्या चक्कर है। बड़ी प्यारी सी लग रही थी यार, देखना ये लोग क्यूट सी नहीं लग रही है क्लेंजा। हाँ भाई ले तू खुश हो, ले तेरी फोटो खींच दो पहले भाई। इस गाड़ी के टक्कर के पूरे एक्सपो मार्ट में कोई गाड़ी नहीं थी वहाँ पर। और ये आ गई सबकी प्यारी इनोवा, बट यार इसमें टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे को इतना मज़ा नहीं आया। ये थोड़ी पुरानी वाली से थोड़ी छोटी है, अपनी क्रिस्टा ज़्यादा बड़ी है इससे, ये छोटी है, बहुत कॉम्पैक्ट कर दिया इसको, काफ़ी अंदर से भी बहुत वैसी है, घिचपिच घिचपिच सी, पीछे तो बिल्कुल ही ख़त्म सा ही कर दिया है इसमें। ये पूरी सुजुकी बनाने की साजिश की गई है इसमें, आपको आगे से भी इसकी स्टेयरिंग और दिखाऊंगा, बिल्कुल सुजुकी वाला फील दे रहा है। पुरानी वाली में लगता था कि हाँ कोई बढ़िया बड़ी गाड़ी की है स्टेयरिंग आपके हाथ में, इसकी तो बहुत छोटी कर दी। अभी बैठ के दिखाते हैं आपको इसको अंदर। भाई मेरे को इसकी स्टीयरिंग भी अच्छी नहीं लग रही है, सुजुकी जैसा कर दिया था छोटा छोटा। ये इसका बेस वेरिएंट है, इधर केयूवी जैसा कर दिया है। नहीं यार क्वालिटी में भी मज़ा नहीं है, ये सुजुकी कर दिया है। धीमे धीमे टोयोटा वाले से सुजुकी ही बना देंगे मुझे लग रहा है। प्लस इसका मेरे को आगे से भी ये छोटा लगा थोड़ा सा, ये देखिए इसका ये एरिया है, ये काफ़ी छोटा है। भाई इसकी सीटों में नीचे स्पेस नहीं है, मैं वो अपना जो होता है ना लिवर टाइप का जो अपनी सादा में होता है इसमें है ही नहीं। बड़ी मुश्किलों के बाद ये आगे हुई और मैं अंदर जाके देखता हूँ इसमें क्या है। अब भाई आगे तो हो गई, अभी पीछे भी होगी, अब मैं इसे पीछे करने की कोशिश करूँगा। भाई पीछे यहाँ तक हुई बस, अब नहीं होगी। मुझे एक्चुअली आइडिया नहीं था कि ये नहीं, इसके आगे वाला जो लिवर है उससे होती है। अब आगे वाले से ट्राई करेंगे, नहीं हो पा रहे इससे। इसे पीछे करने में सफल हो जाएंगे अभी नहीं, बट हाँ
चलते हैं टोयोटा की बेहतरीन सबसे महंगी कार को देखने, वेल फायर जिसका नाम है। ये जो आप आगे कार देख रहे हैं ये सेडान टाइप में आपको लग रही है छोटी सी, बट ये कार काफ़ी महंगी आती है। कीमत की बात करें तो फॉर्च्यूनर के बराबर की ही सी इसकी कीमत बैठेगी। ताकि बहुत ज़्यादा डिमांड के ऊपर उन्होंने बोला था उन्हें इनोवा खोल के देखनी है कैसे बनाई गई है, तो मैंने एक ऑर्डर बनवाया है ऐसा, दिखाता हूँ आपको। लीजिए देख लीजिए कैसे बनी है, क्या सिस्टम है, कितना स्पेस है, क्या क्या लगाया है, सारी चीज़ें आपके सामने खोल के रखवा दी है। देखिए आराम से, देखिए स्पेस कम है भाई, साफ दिख रहा है। और मुझे माफ़ करना दोस्तों, मैं रमन नहीं था सुजुकी में आने का, बट फिर भी मैं आ ही गया, तो अब सुजुकी की गाड़ियाँ भी दिखाई देता हूँ आप लोगों को। अब इसी के साथ ख़त्म करते हैं आज का टूर, चलते हैं वापस अब बाहर यहाँ से। और अब हम बाहर आ गए हैं, ये देखिए यहाँ से आपका रास्ता है अंदर जाने का। आते समय नहीं दिखा पाया था, जाते समय मुझे याद आया कि चलो व्लॉग ही शूट कर लेते हैं। सो ये आपका लौटते समय का रास्ता मैंने दिखा दिया है, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आइए इधर आइए, घूमते हुए आइए। ये हमारी बाइक है, इधर लगी हुई थी, ये मेरी जगह खाली है, ये अपनी मेहनत करके खाली करनी पड़ती है, उधर से एग्जिट करनी है एंड आप घर जा सकते हो, ठीक है।